चुनाव विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ बसवना कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी की सोच, देवराज अर्ष जी की सोच, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सोच। कांग्रेस पार्टी, बसवना जी कहते हैं सबको जोड़ो, शक्ति बनेगी, सबका फायदा होगा, सबको एक जैसे देखो। कर्नाटक की शक्ति कहां है? कर्नाटक की शक्ति कर्नाटक की गरीब जनता में है, किसानों में है, मजदूरों में है, छोटे दुकानदारों में है, महिलाओं में है, युवाओं में है। कर्नाटक को मजबूत बनाना है, कर्नाटक को तेजी से आगे ले जाना है, तो इन लोगों के हाथ में शक्ति डालनी है। जब कर्नाटक में कोई गरीब व्यक्ति बिना घर के रहता है तो कर्नाटक का नुकसान होता है। अगर कर्नाटक के किसान की मदद नहीं होती है तो कर्नाटक का नुकसान होता है। जो इस प्रदेश में काम करता है, जो अपना खून पसीना देता है, उसके लिए इस प्रदेश की सरकार चलनी चाहिए। इस प्रदेश की सरकार दलालों और चोरों के लिए नहीं चलनी चाहिए। इस प्रदेश की सरकार कर्नाटक के किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए चलनी चाहिए। अब आप नरेंद्र मोदी जी का स्टेज देखिए, उनके स्टेज पर बीच में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, जो भाषण देते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। दाएं साइड पे येद्दुरप्पा जी, जो जेल में खाना खा के आए, जिनको अमित शाह ने पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अमित शाह के मुंह से एक बार सच निकल आया, जिनको अमित शाह ने कहा कि येद्दुरप्पा सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के चार मंत्री जो येद्दुरप्पा जी के साथ जेल में पिकनिक करके आए, और दूसरी लाइन में आठ और लोग, रेड्डी ब्रदर्स। नरेंद्र मोदी जी ने रेड्डी ब्रदर्स को आठ विधानसभा के टिकट दिए हैं कि वो कर्नाटक को लूटने का काम करें, दलाली का काम करें और आपके पैसे चोरी करने का काम करें। 35,000 करोड़ रुपए रेड्डी ब्रदर्स ने आपके जेब में से चोरी किया है। मोदी जी को कर्नाटक को बताना चाहिए येद्दुरप्पा का क्या क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने उसको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया है। नहीं नहीं, क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूं। क्वालिफिकेशन यह है कि येद्दुरप्पा जी, रेड्डी ब्रदर्स और चार मंत्री कर्नाटक से चोरी करके नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए पैसा देंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, येद्दुरप्पा जी, आपने बसवना के शब्द सुने होंगे, नुडी डंटे नडे, जो कहते हो करो। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में पूरे देश में दौरा लगा रहे थे, हर भाषण में उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल के दाम कम करूंगा।